सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल द गियरलेस हरियाणा। तो आज है व्लॉग नंबर 22, डे नंबर 22 हमारी 30 डे व्लॉग चैलेंज के लिए। तो गाइज अभी हम लोग ऑफिस में ही हैं क्योंकि अभी हमारी छुट्टी नहीं हुई। आज सुबह व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना पाया क्योंकि आज वैसे हम लोग हमेशा की तरह लेट ही हो गए थे, पर कोई नहीं, चलो अभी मैं ऑफिस के अंदर हूँ, अभी छुट्टी नहीं हुई। सैटरडे के दिन वैसे मेन ब्रांच तो बंद रहती है, पर जो हमारा ऑफिस होता है वो सैटरडे के दिन भी खुला हुआ रहता है, मतलब कि ओपन रहता है, क्योंकि जो अभी ना सीजन चला हुआ है हमारे यहाँ पे, जब धान वगैरह या कोई ऐसा गेहूं वगैरह का सीजन आता है ना, निकलती है, तो हमारे LIC वगैरह के अंदर जो कैश वगैरह आना और जो बाकी कागजी काम वगैरह है वो होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए भी हम ऑफिस में हैं। तो चले गाइस व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आपने तो प्लीज गाइस चैनल को लाइक, चैनल को मैं तो भूल ही जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। तो गाइस तो नीचे की तरफ में रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है, उसको ब्लैक कर दीजिए दबाने के बाद, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जब भी हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत जल्द हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले ना पानी पी लेते हैं गर्म करने के बाद, क्योंकि आजकल गला खराब वगैरह रह रहा है ना, आपको तो पता ही होगा अगर पुराने ब्लॉग्स वगैरह आपने देखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग पानी गर्म कर लेते हैं, एक गिलास पानी पियेंगे। तो गाइस जब तक पानी गर्म होता है हम लोग बाहर की तरफ देखाते हैं कि कोई आ तो नहीं गया हमारे ऑफिस में, क्योंकि अभी हमने यानी कि बंद नहीं किया हुआ। तो गाइस बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि सामने वो जो देख रहा है बालाजी वाला, वो सलून है, यूनिसेक्स सलून है। नीचे जो है आप लोग देख सकते हो, नीचे में जो शोरूम वगैरह है, कपड़े वगैरह जूते वगैरह मिलते हैं। और वहां पर देखो सामने LIC की ब्रांच है, मेन जो ब्रांच होती है ना वो LIC की ब्रांच है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारी टोहाना की LIC की मेन ब्रांच है न्यू प्रभाकर कॉलोनी में, और उस साइड साई का हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल है, मतलब छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है। तो गाइस बहुत ही यानी कि अच्छा एरिया हम लोगों का ऑफिस के लिए। तो गाइस हमारा पानी हो गया होगा, चलो पानी भी बंद कर लेते हैं, पानी पीते हैं। दोस्तों पानी गर्म हो गया, चलो पानी पी लेते हैं बैठ के, पानी तो ज्यादा ही गर्म हो गया बल्कि आज तो कुछ। तो ये हमारी सीट है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देख रखा है, हम लोग यहाँ बैठते हैं नीचे की तरफ, ऊपर वाईफाई नेट वगैरह लगा हुआ है, ये हमारा यानी कि सीट है, बस यहाँ पे हम लोग काम करते रहते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, हमारी डेस्क वगैरह है। गाइस पानी पी लेते हैं, पानी थोड़ा गर्म है और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस हम लोगों की छुट्टी हो चुकी है ऑफिस से, अब हम लोग जा रहे हैं यानी कि अपने काम की तरफ। तो हम लोग घर जाएंगे, घर जाने से पहले हम लोगों को क्या है कि दुकान के लिए अपने लिए अंडे लेके आने हैं, तो पहले हम लोग जाएंगे और दुकान के लिए एग लेंगे, और फिर एग लेने के बाद ही फिर हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि बाहर ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ, क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे। तो पहले अपनी शॉप के लिए एग लेंगे, अंडे लेंगे यहाँ टोहाना से, तो हम लोगों को वैसे टाइम नहीं मिलता ना, इसीलिए फिर अगर टोहाना से ही ले लेते हैं, इसलिए अब टोहाना से एग लेंगे और फिर जाएंगे अपनी ट्रेन के अंदर। ये सामने फ्लाइंग मशीन का शोरूम खुल गया हमारे टोहाना में, फ्लाइंग मशीन का बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े वगैरह मिल जाए करेंगे अब यहाँ पे। ये सांड है हमारे टोहाने का, सांड वांडा उस साइड उस वाली गली में चलेंगे, उस वाली गली में निकलेंगे, वहाँ पे जाके हमें मिलेगा यानी कि एग वगैरह वहीं पर मिलते हैं। गाइस अभी कुछ भी नहीं आ रहा, हम फटाफट क्रॉस कर लेते हैं। गाइस अब मेन रोड से हम अंदर की तरफ आ गए, और अंदर की तरफ देख सकते हैं आप लोग इतनी भीड़ वगैरह नहीं है, गली थोड़ी खुली खुली सी है, सही चल रहा है। किसी का सामान गिर गया लगता है बीच में, हाउस आंटी का, वो आ रही है, चलो वो ले लेगी। तो गाइस हम लोगों ने अंडे ले लिए हैं, ये देखो अंडे इस बैग के अंदर है, हम लोगों ने एग वगैरह ले लिए, अब हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन ट्रेन का टाइम हो गया है। तो गाइस चलिए फटाफट घर चलते हैं और फिर बातें करते हैं आगे की। तो गाइस हम लोग टोहाना के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, देखो टोहाना का स्टेशन है, सुनसान पड़ा रात को क्योंकि अभी रात को बहुत कम ट्रेनें आती है, पूरा टोहाना का स्टेशन है। चलते हैं फटाफट, ट्रेन का टाइम होने वाला है और ट्रेन पकड़ लेते हैं।